प्याज में बिना लहसुन प्याज की में भी टेस्ट है। आज गलती से उसमें लहसुन डल गया, गलती से डल गया। वरना जो मेरे कस्टमर वड़ा पाव में लहसुन प्याज नहीं खा रहे उनके लिए स्पेशल छोटा डाल लहसुन प्याज की पाव भाजी रखी है। हेलो बच्चा, अच्छी कौन सी है? एक का दिल्ली वाला फ्लेवर है, एक का एमपी वाला फ्लेवर। पंजाबी यहाँ के लिए भी लाइन है क्या? नहीं भैया, आगे आगे आपको चाहिए। फोटो फोटो बेटा यहाँ पर है ना, कोई बच्चे को लेके मत आना, ये पढ़ाई तो है नहीं। एक फोटो क्लिक करके जा रही हूँ। ये लो पहले। अरे छोटू सा, हाँ भी छोटू सा। मैम एक्सक्यूज मी आ रहे ना मैम, ये कढ़ाई का काम हो रहा है मैम। मेरे को ऑलरेडी कढ़ाई से बहुत डर लगता है, मैं अपने बच्चे को नहीं आने देती इधर। मैम पाव भाजी नहीं नहीं है, बोलना पड़ेगा, खुद ही बोलना पड़ेगा। कितनी चाहिए आपको? एक प्लेट खानी है, एक प्लेट खाने के लिए पाव भाजी। भैया दो वो बड़ा पाव भी ज्यादा कर दिए, तो बड़ा पाव भी आपको लाइन में लगा, फिर जाना ही नहीं। पाव भाजी भी मैम ने शुरू कर दिया। ये देखिए दोस्तों, मैम ने पाव भाजी भी शुरू कर दी है बड़ा पाव के बाद। ये देखिए पाव भाजी, एक नया जायका आपको दिखेगा। मैम कुछ बताएंगे पाव भाजी के बारे में? आप एक नया जायका आपने इंट्रोड्यूस करा है। नया जायका नहीं आया, मेरी पुरानी रेसिपी है। पुरानी रेसिपी है, मेरी चीज़ फूलों की थी, पाव भाजी होती थी। ब्रो एक प्लेट इनको खाने के लिए दे दो पाव भाजी। नहीं ये नया जायका हम देख रहे हैं पाव भाजी, नहीं तो अदरवाइज पहले हम वड़ा पाव ही खा रहे थे। दो सालों से तो मैं हर चीज, हम तो वड़ा पाव खा रहे थे आपके हाथों का। वही तो आप लोगों को मेरे बारे में कुछ नॉलेज। एक्स्ट्रा पाव कितने का है? 20 रुपीज दो दे दो। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको पाव भाजी खानी तो पाव भाजी भी आके खा सकते हैं। ये देखिए अब वड़ा पाव के बाद अब वायरल होगा पाव भाजी। आपको चाहिए? दो चाहिए, दो ये लो। ये लो पकड़ ये पाओ कैसे?